खनिया थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आधुनिक तकनीक से अवैध कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। 120 लीटर कच्ची शराब की जब्त, 2500 लीटर लहान सहित अन्य सामान किया मौके पर नष्ट। इस कार्यवाही में SDOP प्रशांत शर्मा व खनिया थाना पुलिस की कार्यवाही। खबर खनिया थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने आधुनिक तरीके से कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर 120 लीटर कच्ची शराब सहित भारी मात्रा में गुड़, लहान और शराब बनाने में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री को मौके पर नष्ट किया है। जानकारी के अनुसार खनिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खनिया थाना क्षेत्र के ग्राम कफार में आधुनिक तरीके से कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही है, जिस पर SDOP प्रशांत शर्मा व खनिया थाना प्रभारी ने तुरंत एक टीम बनाकर बताए हुए स्थान पर घेराबंदी कर कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी और 10 ड्रम में बन रही शराब के गुड़ लहान को भी नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने वाले गुड़ को भी जब्त किया गया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा, जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राम कफार में अवैध कच्ची शराब, जिसको आधुनिक तरीके से शराब माफिया द्वारा बनाई जा रही थी, उसकी सूचना प्रशासन को जिला पंचायत सदस्य पतीश शियाराम लोधी व मुखवीर ने दी थी। यह बात खुद शियाराम लोधी ने मीडिया को बताई है। वहीं जिला पंचायत सदस्य पतीश शियाराम लोधी ने बताया कि मेरे गृह ग्राम कफार में हुकुम सिंह लोधी काफ़ी समय से अपने बगीचे में आधुनिक तरीके से अवैध कच्ची शराब बनाने का कारोबार कर रहा है, जिस पर मैंने कुछ लोगों के साथ इस मामले में खनिया थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर खनिया थाना पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री को नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं इस संबंध में जब मीडिया से बात करते हुए खनिया थाना प्रभारी अशोक बाबू शर्मा ने बताया कि अभी तक मेरी 40 वर्ष की नौकरी हो गई है और अभी तक मैंने इस आधुनिक तौर पर कच्ची शराब बनते कभी नहीं देखा, ना ही ऐसी कोई कार्रवाई की है। यह मेरी अपनी ज़िंदगी की पहली कार्रवाई है, जिसमें अवैध कच्ची शराब लाइट एवं आधुनिक तरीके से बनाई जा रही थी। उक्त फैक्ट्री को हमने मौके पर नष्ट कर गुड़ लहान को भी नष्ट किया है एवं 120 लीटर अवैध कच्ची शराब को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी अभी फरार है। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। आपके गृह ग्राम कफार में एक अवैध शराब पर कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई हुई है? क्या है भाई साहब, अवैध रूप से कच्ची शराब उतारी जा रही थी, तो मैंने प्रशासन को ऊपर तक अवगत कराया। प्रशासन अपने फोर्स के साथ गया और कच्ची शराब पर कार्रवाई की। नहीं, कुछ गुप्त सूत्रों के द्वारा जानकारी लगी है कि कुछ 100 पेटी की दारू और थी, नहीं ऐसा गायब करवा दिया है, ऐसा किसका हाथ माना जा रहा है? ऐसा तो कहना गलत है, लेकिन जो अवैध शराब थी वो जब्त की गई है, प्रशासन ने कार्रवाई की है, जितनी दारू थी उस पर कार्रवाई की गई है। तो ये खनिया थाना क्षेत्र का एक अनोखा मामला है, जो कि बिजली के द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही थी। नहीं, वो तो क्या है सर के शराब बिजली हीटर मीटर चला के और बनाई जा रही थी, मैं खुद मौके पर था। अभी DI साहब का कहना है कि मेरी इतनी बड़ी नौकरी हो गई, उसमें अभी तक मैंने ऐसा कार्रवाई नहीं की है जो आज कार्रवाई की है। नहीं तो मैंने भी देखा है, कई सिलेंडरों से उतारते हैं कबूतरा वगैरह, और कई लकड़ियों से उतारते हैं शराब कच्ची, और ये लाइट से उतरती हुई मिली जो हीटर के द्वारा। सर, जो आज अवैध शराब पर कार्रवाई की गई है, वो क्या कार्रवाई हुई है? में 120 लीटर दारू और 50,000 रुपए का जो है लान, 6-7 ड्रम था, वो नष्ट किया है, घोड़ को नष्ट किया है और भी सामान नष्ट किया है, होने लायक था, और आरोपी को एक को पकड़ लिया है और एक फरार है। बताया जा रहा है कि आधुनिक तरीके से शराब बनाई जा रही है। हाँ, सही बात है। कैसे बनाई जा रही है? बिजली की कार्रवाई थी और पानी जो है वहाँ में से कुआ में से पंप से आता था और लाइट से जो है वो चलती थी फैक्ट्री, और उससे दारू निकलती। तो अभी तक सर आपने ऐसी कोई कार्रवाई देखी है? ऐसी ऐसी मैंने 40 साल की नौकरी में नहीं देखी। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिस तरीके से फैक्ट्री लगी हुई थी। आगे भी कार्रवाई होगी? बराबर होती रहेंगी, होती आएंगी या होती रहेंगी। सर, इसमें और कितने अपराधी हो रहे हैं? जहाँ एक और है। एक और है।